हाँ हम। सीधे तरीके से बता दो, ठाकुर ने अपने पिल्ले को कहाँ छुपा रखा है, वरना। ठाकुर ने अपने पिल्ले को कहाँ छुपा रखा है, वरना तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। बोल, काली टोप के शिकार घर में। ये रहे जमीन के कागजात, अब फौरन बिल्लू को मेरे हवाले कर दो। इतनी भी क्या जल्दी है ठाकुर, पहले मैं ये कागजात देख तो लूं। रॉकी, तूने पूनम को सब कुछ समझा दिया था ना? अच्छी तरह। वो डीआईजी साहब के साथ गांव से कुछ दूरी पर रुक जाएगी, कागजात हमारे हाथ लगते ही हमने इशारा किया, वो पुलिस को लाकर बिल्लू को गिरफ्तार करवा देगी। अबे अबे चुप है। ठीक है, अब जल्दी बताओ मेरा बेटा कहाँ है। बताता हूँ, एक मिनट। वो देखो बिल्लू, मेरे बेटे। एक मिनट ठाकुर, अब मेरी बात गौर से सुन। जैसे ही मैं ये बैग लेकर उस तरफ चलूंगा, कृष्ण भैया और रॉकी बिल्लू को लेकर वहां से निकलेंगे। अगर मैं वहां सही सलामत पहुंच गया तो समझो बिल्लू भी तुम्हें सही सलामत मिल जाएगा, वरना और कुछ हो ना हो बिल्लू अपनी जान से जरूर हाथों बैठेगा, समझे? अच्छी तरह। गुड। अर्जुन, तू ठीक तो है? हाँ भैया। क्यों ठाकुर, क्या सोचकर इस गांव की जमीन के कागजात तुम इनके हवाले कर रहे थे? भूल गए कि इस जमीन पर तुम्हारा और हमारा बराबर का हक है? राणा, हम आप सबको
आपके हिस्सों के बराबर रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस वक्त अर्जुन को कागजात ले जाने दीजिए। यह हमारे बेटे की जिंदगी का सवाल है। अरे बेटा होगा तेरा, इसके लिए हम करोड़ों का नुकसान क्यों उठाएं? नहीं उठाएंगे राणा साहब, इसी ने हमारी लंका लुटवाई है, हमारे प्लेनवा का सत्यानाश किया है। ठाकुर बहुत नाटक हो चुका, अगर मेरे 10 गिनने तक अर्जुन मेरे पास कागजात लेकर नहीं पहुंचा तो मैं तेरे पिल्ले की गर्दन उड़ा दूंगा। एक राणा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, जाने दो अर्जुन को, जाने दो। दो। अरे क्यों अपनी गिनती जाया करता है, 10 तक गिनने की कोई जरूरत नहीं, यह किस्सा यहीं तमाम कर देते हैं। दो! बेटे मुझे माफ कर, मैं तुझे बचा नहीं सका। बेटे मुझे माफ कर। बुढ़ी को कौन टाल सकता है डैडी? बुराई का अंत बिल्लू नहीं, नहीं, बिल्लू, बिल्लू मेरे बेटे, नहीं। ए अक्कल के दुश्मन, होशियारी मत करना मेरे साथ। अली जी, क्या बैग लेकर आ? अर्जुन बैग इनके हवाले कर दो। खबरदार, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। राणा बेहतर यही होगा कि तुम अपने आदमियों के साथ सरेंडर हो जाओ। आया अर्जुन, भाग। सेवक राम, बैक।
एहसास हुआ कि अपनों को खोने का दुख क्या होता है। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें पहुंचाई हैं कृष्णा, मुझे माफ कर देना। नहीं ठाकुर साहब। याजी साहब, मैं वसीयत करता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जमीन जायदाद गांव वालों में बांट दी जाए।